हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय किचन आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार खस्ता बाज़ार जैसी कचोरी विद आलू की तरकारी बहुत ही ईजी रेसिपी है मैंने यहाँ पे लिया है हाफ कप मसूर की दाल हाफ कप मूंग की दाल इसके अलावा मैंने वन टीस्पून सॉल्ट लिया है वन टीस्पून क्यूमिन सीड्स वन टी स्पून फ्लेक्स एंड वन टी गार्लिक पेस्ट बहुत ही सिंपल रेसिपी है उम्मीद करती हूँ आप लोग को पसंद आएगी कचौरी के लिए मैंने लिया है टू कप्स मैदा तकरीबन टू टेबल स्पून मैंने यहाँ पे बटर लिया है हाफ टी स्पून मैंने अजवाइन ली है इससे बड़ी अच्छी खुशबू आती है कचौरी में एंड हाफ टी स्पून मैंने सॉल्ट लिया है इन सारी चीज़ों की आज हमें ज़रूरत पड़ेगी कचौरी बनाने के लिए कचौरी बनाने के लिए सबसे पहले हम इसकी दाल बनाएंगे जो कि इसकी फिलिंग होगी मैंने दाल को जो है तकरीबन एक घंटा पहले भिगो अब हम इसमें सारे मसाले डालेंगे अलोंग विद दो कप पानी और साथ ही हम आटा भी देंगे मैं जो है मैजी मिक्स की मशीन यूज़ कर रही हूँ इसमें मैंने टू कप्स तक मैदा डाल दिया है इसके साथ ही अब हम इसमें नमक डालेंगे नमक शामिल करने के बाद इसमें आप जो है अजवाइन शामिल करें और साथ ही इसमें आप मक्खन को ऐड कर लें अच्छा मक्खन मैंने मेल्ट किया हुआ है आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं या अगर चाहें तो ऑयल भी इसमें मैं तकरीबन वन कप तक पानी डाल रही हूं अब मैं मशीन को ऑन कर रही हूँ आप आटे को हाथ से भी गूंध सकते हैं दाल को पकते हुए दस मिनट हो चुके हैं अब मैं इसमें एक कप पानी और डालूंगी ताकि ये बिल्कुल अच्छे तरीके से गल जाए अच्छा जी दाल को मजीद बीस मिनट हो चुके हैं अब आप देख सकते हैं ड्राई हो गई है लेकिन इसको थोड़ा सा हम और ड्राई करेंगे अब हम तरकारी की तरफ बढ़ते हैं मैं तरकारी अपने फिलिप्स मल्टी कुकर में बना रही हूँ मैंने तरकारी के लिए यहाँ पे लिया है वन टीस्पून गार्लिक पेस्ट वन टीस्पून क्यूमिन सीड्स वन टीस्पून स्पून के लौन्जी वन टी स्पून सॉल्ट वन टी स्पून फ्लेक्स वन टी रेड चिली पाउडर साथ ही मैंने लिया है वन टेबल स्पून येलो फूड कलर ये ऑप्शनल है एंड थ्री पोटैटोज और इसको आप इस तरीके से क्यूब शेप में काट लें इसके अलावा मैंने यहाँ पे वन कप पानी लिया है एंड थोड़ा सा मैं ऑयल इस्तेमाल करूँगी अब किसी भी नॉर्मल पॉट में या फिलिप्स मल्टी कुकर इंस्टेंट पॉट में आप सबसे पहले जो है ऑयल को हीट करेंगे ऑयल तकरीबन मैं ले रही हूँ वन थर्ड कप जब ऑयल हीट हो जाएगा तो इसमें आप डालेंगे वन कप ऑफ वाटर जी पानी इसमें पहले जाएगा क्योंकि ये तरकारी बनेगी अच्छा जी अब पानी और ऑयल अच्छे से गर्म हो चुके हैं अब मैं इसमें डालूँगी फ़ूड कलर फूड कलर ऑप्शनल है लेकिन तरकारी का अच्छा कलर फूड कलर से ही आएगा मैंने येलो फूड कलर यूज़ किया है अब मैं इस पानी और ऑयल के मिक्सचर में सारे मसाले ऐड कर रही हूँ लहसन और जितनी मिर्चें मैंने आपको पहले बताई अब इस पानी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक उबाल आने देंगे उबाल आने के बाद हम इसमें आलू शामिल करेंगे आलू शामिल करने के बाद मैंने अपने प्रेशर कुकर को सेट कर रही हूँ मैं मैनुअल पे सेट करूँगी तकरीबन सेवन मिनट्स के लिए सेवन मिनट्स बाद हमारे आलू बहुत अच्छे से गल चुके हैं अब आप इसको चमचे की मदद से हाथों से थोड़ा क्रश करें ताकि आपकी जो ग्रेवी है वो लिक्विड से थोड़ी सी थेक हो कॉर्नफ्लावर इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं अब मैं इसको स्लो आंच पे सोटें कर रही हूँ ताकि मेरी करी थोड़ी थेक हो जाए चलें अब कचोरी के तरफ चलते हैं दाल तैयार हो चुकी है आपका जो सरफेस है वो बहुत ही ऑयली होनी चाहिए क्योंकि इसमें खुश्की बिल्कुल नहीं डलेगी ना ही बेलन इस्तेमाल होगा हाथों की मदद से छोटे छोटे पेड़े बनाकर आप इसको फ्लैट कर लेंगे और तकरीबन वन टीस्पून दाल भरेंगे ख्याल रहे कि ज़्यादा दाल ना भरें इस तरीके से सारे कॉर्नर्स को दबाकर आप इसको एक साथ जोड़ लेंगे और पीछे से हाथों की मदद से इसको स्लोली स्लोली प्रेस करेंगे थंब से दबाकर पूरी प्रोसीजर में खुश्की और बेलन जैसे कि बताया नहीं इस्तेमाल होगा तो मेक श्योर करेगा आपके हाथ और आपका सरफेस काफ़ी ऑयली हो प्लीज़ वन टीस्पून से ज़्यादा दाल मत भरिएगा कचौरी आपकी फट जाएगी ऑयल को मैंने दस मिनट से प्री हीट कर लिया है मीडियम फ्लेम में अब मैं कचौरी को शामिल कर रही हूँ कचौरी को आपको ईच साइड मीडियम फ्लेम पे तीन से चार मिनट तक पकने देना है चमचे की मदद से उसको थोड़ा थोड़ा करके दबाएं जब ये लाइट ब्राउन कलर की हो जाए तो इनको पलट पलटें और एक क्लोज चेक रखिएगा तकरीबन सात से आठ मिनट में आपकी तीन से चार कचोरियाँ तैयार हो जानी चाहिए अब आप देख सकते हैं कि खूबसूरत सा कचोरी का रंग आना शुरू हो चुका है कचोरी हमारी बिल्कुल पूरे तरीके से तैयार हो चुकी है बहुत ही नरम खस्ता लजीज कचौरी बनी है उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी अपना बहुत ख्याल रखिएगा जरूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी को अल्लाह हाफिज